नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडवोकेट मितेश दवे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक एडवोकेट के पास ज्यादा पावर है या एक पुलिस के पास। एक पुलिस एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इनका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये होता है पुलिस का काम। अगर हम बात करें एडवोकेट की, तो वो एक जुडिशियल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उनके बिना कोर्ट नहीं चल सकता है। अपना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एडवोकेट का होना बहुत जरूरी होता है। पुलिस किसी भी कन्विक्ट को पकड़ के दंड नहीं दे सकते है। पनिशमेंट देने का कोई भी राइट पुलिस के पास नहीं होता है। पुलिस का काम है कन्विक्ट को पकड़ के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना। दूसरी तरफ एडवोकेट ही होता है जो कन्विक्ट को प्रूव करता है कि वो दोषी है या नहीं। एक एडवोकेट ही निर्दोष को सजा देने से बचा सकता है और दोषी को सजा दिला सकता है। एडवोकेट अगर चाहे तो पुलिस को पनिशमेंट भी दिला सकता है। इवन पुलिस की नौकरी भी जा सकती है अगर वो एडवोकेट उस पुलिस के खिलाफ एविडेंस से उसको दोषी पुरवार कर दे तो। दूसरी तरफ पुलिस के पास भी ये पावर होता है कि वो वैलिड रीजन पर एक एडवोकेट को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन जब वो एडवोकेट कोई इम्पोर्टेंट केस लड़ रहा होता है, उस टाइम कोर्ट की प्रायर परमिशन के बिना उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक पुलिस एडवोकेट को कभी भी ऑर्डर नहीं कर सकता है, जबकि एक एडवोकेट कोर्ट के द्वारा किसी भी पुलिस को, इवन वो आईपीएस ऑफिसर को भी ऑर्डर कर सकता है किसी चीज को करने के लिए। एक एडवोकेट को लर्ड माना जाता है क्योंकि एक एडवोकेट के पास सभी लॉ का ज्ञान होता है, इंक्लूडिंग सोसाइटी एंड क्राइम, जबकि पुलिस के पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है एडवोकेट के जैसा रिगार्डिंग लॉ। उनको सिर्फ पता होता है बेसिक पिनल लॉ। फाइनली एक एडवोकेट का काम है, अगर हम सिविल मैटर की बात करें तो उसमें कंपेंसेशन दिलाना, और बात करें क्रिमिनल एस्पेक्ट में तो निर्दोष को बचाना और दोषी को सजा दिलाना, यही एक एडवोकेट का काम होता है। दूसरी तरफ पुलिस के पावर की बात करें तो उनका पावर सिर्फ पुलिस स्टेशन तक ही सीमित रहता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि किसके पास ज्यादा पावर है। ऑब्वियसली एक एडवोकेट के पास ज्यादा पावर है, बट हाँ, पुलिस के पास भी काफी पावर है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।